दुनिया में कई अनोखी शादियों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि ऐसी भी शादियां इसी दुनिया में हो चुकी है जिस पर यकीन करना एक बार नहीं बल्कि कई बार हमेशा ही कठिन रहा है। आज हम आप सभी के बीच हमारे इस प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड को लेकर आए हैं, जहां मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज के स्पेशल एपिसोड में दुनिया की सबसे अनोखी शादी के बारे में बात करने वाली हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी की शादी की जो कि एक लड़की और एक नाग की है। जी हाँ, शादी एक लड़की की एक नाग के साथ। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये सपनों की बात है? जी हाँ, ये कोई कहानी और किस्सा नहीं, कोई बुक का लिखा वर्ड नहीं, ना ही कोई गाथा है पुरानी। दरअसल ये सच्ची घटना है जिस पर यकीन करना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में जो स्पेशल एपिसोड के रिपोर्ट को लेकर आए हैं हम आप सभी के बीच, उस रिपोर्ट में वो पूरी सच्चाई हम आप सभी को बताएंगे कि क्या है ऐसी अनोखी शादी के पीछे का वो राज जो लोगों को काफ़ी हैरान कर गया। जी हाँ, पूरी दुनिया भर में सबसे अनोखी शादी में एक ऐसी शादी भी है जो कि हमारे ही देश में एक लड़की ने एक नाग के साथ करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। जी हाँ, ऐसा आपने शायद ही कभी सुना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में रहने वाली एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार में पागलपन की सारी हदें ही तोड़ दी और एक नाग के साथ, एक सांप के साथ शादी रचा ली। एक सांप के दुल्हन बन गई वो लड़की। और कैसे ये पॉसिबल हुआ, किस तरह ये मुमकिन हुआ, हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक हमने आपको उड़ीसा की हुर्द जिले से 14 किलोमीटर दूर स्थित अताला गांव में रहने वाली 30 साल की महिला के बारे में बताया ही है। हमने आपको पिछले कार्यक्रम के जरिए इस बारे में बताया था कि उड़ीसा की 30 साल की महिला जिनका नाम भीमबाला दास है, वो एक सांप के साथ शादी रचाकर सबको हैरान कर गई थी। जी हाँ, सांप के प्यार में प्यागल होकर उन्होंने सारी हदें तोड़ी थी, जिसके बाद सभी दंग रह गए थे। सांप के साथ साथ फेरे लेने से लेकर अपनी मांग में सांप के नाम का सिंदूर भर लेना, वाकई में इससे पूरा गांव हैरान रहा। लेकिन महिला की शादी में पूरा गांव शामिल होकर एक अजीबोगरीब शादी का हिस्सा भी बना, लेकिन गांव वालों ने लड़की को बिल्कुल भी नहीं रोका। ये और भी ज़्यादा अचंभा करने वाली बात तो है ही। आपको बता दें, हम इस शादी में सांप खुद भी शामिल नहीं हो सका, इसलिए युवती ने, यानी कि भीमसाला दास नाम की महिला ने, तांबे के सांप के साथ फेरे लिए थे। चौंक गए होंगे आप ये जानकर, लेकिन इस बारे में जब भीमसाला से पूछा गया था तो उसने बताया था वो सांप को दूध पिलाने जाती है वो, और हर बार सांप आकर बाहर दूध पीता है और अंदर चला जाता है। उसका रिश्ता काफ़ी पुराना है, कभी भी उस सांप ने भीमसाला को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस शादी समारोह के दौरान उस महिला ने, यानी कि भीमसाला ने, सांप को अपने पति का दर्जा दिया, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बताते आपको, भीमसाला का ये प्यार सांप के साथ लगाव होने की वजह से रहा। आपको इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ भीमसाला ही नहीं, एक ऐसी ही दूसरी महिला के बारे में भी बताने वाले हैं जो कि सांप के प्यार में सारी हदें तोड़ चुकी है। जी हाँ, आज हम आपको बता दें एक ऐसी महिला के बारे में जिसे सांप प्यार करता है कुछ ऐसे मानो वो उसे खत्म करना चाहे, लेकिन ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी लड़की है जो पिछले 6 साल से 35 बार सांप के काटने की वजह से बीमार तो पड़ी, लेकिन भी कभी भी उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। जी हाँ, सिरमौर जिले के पोंथा मानव गांव की रहने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में हम बात करें जिसके पिता का नाम सुमेर चंद है। उनके पिता ने ही ये जानकारी दी कि 18 फरवरी को उसे 35 बार सांप ने काटा था और
काटने के बावजूद वो लड़की बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ निकली। इससे सभी हैरान रह गए। डॉक्टर वाई एस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने वाली लड़की की हालत भी सुधर गई। सांप के काटने के बावजूद वो लड़की बिल्कुल स्वस्थ निकली, जिसके बाद ऐसी बातें होने लगी कि सांप ने उसे काटना नहीं चाहता था, बल्कि उसे प्यार करना चाहता था। 35 बार सांप ने लड़की को काट कर अपना प्यार जताया। वाकई अजीबोगरीब कहानी है इस देश की, जहां हम आम लोग सांप को अपना दोस्त शायद ही मानने के लिए खुद को स्वीकार कर चुके, खुद को मजबूत कर सके। वहीं आपको बता दें एक ऐसी महिला के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती है सांप से। जी हाँ, एक लड़के ने कुछ टाइम पहले ऐसा दावा किया था कि उसे नागिन रात में आकर मिलती है और प्यार करती है। तो वहीं एक लड़की का भी दावा ऐसा सामने आया कि सांप उसके पीछे आ जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के देवड़ा हाली गांव के रहने वाली संगीता नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके पीछे सांप पड़े हुए हैं। जी हाँ, ये कहना है उस लड़की का, मानो उस लड़की के प्यार में ये पागल हो चुका हो सांप। संगीता जो कि शादीशुदा है, उसके ससुर ने घर में घुसते एक सांप को खत्म किया था, जिसके बाद संगीता अकेली होती थी तो वो सांप उसके आसपास मंडराता था, मानो वो उसका कई सालों पुराना प्रेमी हो। तो वहीं आपको बता दें, अकेली जब भी संगीता बाहर जाती तो उसके पीछे सांप पड़ जाता। कई बार हुआ ये, एक महीने में 5 बार ऐसा संगीता के साथ हादसा हुआ, जिसके बाद संगीता ये मान गई कि ये उसका कोई पुराना प्रेमी है। आपको बता दें उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है ऐसा होने पर, लेकिन सांप से अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मानो उसे भी उस सांप के पीछे पड़ने की आदत हो गई हो, सांप के लगाव की आदत हो गई हो। आपको बता दें, महिला महाराष्ट्र के बुलढाणा इलाकों में रहती हैं। उस इलाके में रहने वाले लोग इस महिला को स्नेक दीदी के नाम से भी पुकारते हैं। आपको बता दें, जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उस महिला के बारे में कई बातें चर्चा हो चुकी है, लेकिन संगीता के बारे में सिर्फ बात की जाए तो संगीता का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा खास है उस सांप के साथ, जो कि उसके पीछे आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन अब वो उसे अपना प्यार मानती है, जिसके साथ अब उसे आदत हो चुकी है रहने की। तो दोस्तों, देखा आपने, सुना आपने, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको वो जानकारी दी जिसे सुनने के बाद आप सभी की आंखें फटी की फटी रह गई होगी, ये देखने के बाद कि एक लड़की, एक खूबसूरत सी सिंपल सादी सी लड़की एक नाग की पत्नी बन गई। एक लड़की ने अपनी मांग में सिंदूर तो सजाया, लेकिन किसी आदमी के नाम का नहीं, बल्कि एक सांप के नाम का, एक सांप को अपना पति बनाकर खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देखने वाली एक ऐसी लड़की जो आम तरह की है, हम लोगों की तरह ही है, लेकिन उसकी सोच इतनी बदल गई कि लोग इस पर यकीन करना तो दूर, उसके आस पास खड़े होने से भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। हम आपको बता दें, इस प्रोग्राम में यानी कि अमेजिंग वर्ल्ड में आज हमने एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में आपको जानकारी दी जो प्यार का एक उदाहरण है। अब तक आपने सुना होगा कि प्यार में लोग अंधे होते हैं, गूंगे हो जाते हैं, प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ऐसी पागलपन, ऐसा पागलपन आपने शायद ही देखा होगा, शायद ही सुना होगा, लेकिन ये सच्चा उदाहरण है प्यार करने वालों के लिए कि प्यार ना इंसान का रूप देखता है, ना कि इंसान देखता है, प्यार देखता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। खैर दोस्तों, अब इसी के साथ वक्त आ चला है आज इस प्रोग्राम यानी कि अमेजिंग वर्ल्ड का यहीं अंत करने का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे आप सभी के बीच हमारे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर, जहां हम बात करेंगे इसी तरह से एक और अनोखी सच्चाई के बारे में, दुनिया के अजीबोगरीब रहस्य के बारे में, अटपटे और अनोखे रहस्य से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प बातें, जिसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।